गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। माई सेल्फ डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत डेवलपमेंटल बायोलॉजी में लार्वल डेवलपमेंट एंड टैडपोल लार्वा के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लार्वल डेवलपमेंट या डिम्बकीय विकास और टैडपोल लार्वा क्या होता है? फ्रॉग के अंदर आपने टैडपोल लार्वा पढ़ा होगा, मैंने पिछले व्याख्यानों में आपको काफ़ी इसके बारे में समझाया है। तो कैसे लार्वल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और टैडपोल लार्वा बनता है और उसका विकास होता है, उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, कायंत्रण होता है, और यह विषय थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। अंडोत्पत्ति या अंडे से बाहर निकलना, इसको हिंदी में इंग्लिश में हैचिंग कहते हैं। अंडोत्पत्ति अर्थात प्रस्फुटन। अंडकला या एग मेम्ब्रेन से भ्रूण के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्पत्ति, अंडोद्भेदन, स्फुरण या हैचिंग कहते हैं। मेंढक में हैचिंग निषेचन के लगभग एक सप्ताह बाद होती है, जब भ्रूण लगभग 6 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। भ्रूण की ग्रंथियों से एक हैचिंग एंजाइम सीक्रेट होता है और यह बाहर की एग मेम्ब्रेन एवं जेली का पाचन कर उन्हें नष्ट कर देता है। भ्रूण के तेजी से झटकने से एग मेम्ब्रेन फट जाती है और जिससे भ्रूण एक लार्वा के रूप में वातावरण में जल के अंदर निकल जाता है और हैचिंग के पश्चात मेंढक की स्वतंत्र डिम्बकीय अवस्थाएं टैडपोल, बैंगची, भेक शिशु कहलाती है। इनमें से कोई सा भी एक शब्द आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो न्यूली हैच्ड टैडपोल क्या होता है, लार्वा क्या होता है वो जानिए। नव अंडजोत्पन्न टैडपोल जो होता है वह नव स्फुरित टैडपोल एक छोटा काला सा मछली जैसा लगभग 6 मिलीमीटर लंबा प्राणी होता है। शरीर में सिर, धड़ एवं पुच्छ जैसे स्पष्ट होते हैं, लेकिन इसके मुख, नेत्र एवं पाद नहीं होते हैं। श्वसन अंग फर्स्ट और सेकंड क्लोम चाकों से बाहर निकले दो जोड़ी छोटे शाखान्वित बाह्य क्लोम या एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। गिल स्लिट्स अभी नहीं खुलते हैं और स्टोमोडियल गर्थ या स्टोमोडियल पिट अभी फेरिंग्स में नहीं खुलता है, लेकिन प्रोक्टोडियल गर्थ मध्यांत्र में खुलकर अवस्कर द्वार बनाता है, क्लोइकल ओपनिंग बनाता है। सीमेन ग्लैंड्स यू आकार का एक अधर चूषक बनाती हैं। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ टैडपोल की विभिन्न अवस्थाएं हैं। न्यूली हैच्ड टैडपोल है ये, इसमें बाह्य गिल अवस्थाएं हैं, 3 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें बन चुके हैं, 3 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं ये। क्लोएकल अपर्चर बन चुका है, मायोटोम्स बन चुके हैं, टेलफिन बन चुकी है। आंतरिक गिल अवस्था ये है, सी डायग्राम आंतरिक गिल अवस्था है और डी पूर्ण विकसित टैडपोल है। टैडपोल की पहचान ये होती है, स्पष्ट पूंछ होती है, हैंडलिम्ब होता है और फोरलिम्ब होता है, ये इसकी खासियत होती है। तो उनसे उत्पन्न जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होती है, लार्वा को चिपकने में सहायता करती है। सिर के दोनों ओर एक्टोडर्म के स्थूलन नेत्रों के आद्यांश या रूडिमेंट्स ऑफ आईज को दर्शाते हैं। क्लोम्स के ऊपर अपीयर होने वाले अंतर्वेशनों से श्रवण गर्त या ऑडिटरी पिट्स का
या अंतःकरणों के वेसाइकल्स बनते हैं सिर के सामने एक जोड़ी छोटे गड्ढे या गर्त या घ्राण गर्त होते हैं और ये जैसा ये एरो वाला या वी वाला शेप दिया हुआ है इस आकार में अनेक मीजोडर्मल सोमाइट्स या माइटोम्स धड़ और पुच्छ में फैले होते हैं। धड़ का अधर भाग मध्यांत्र के फर्श पर पीतक कोशिकाओं के इकट्ठा होने से बाहर को फूला हुआ होता है। एक सीधी नली के समान आंत्र पुच्छ के आधार के अधर तल पर अवस्कर द्वार से बाहर को खुलती है। पुच्छ पक्ष या टेलफिन्स नहीं होते हैं। क्रियाशील वृक एक जोड़ी प्राकवृक या प्रोनेफ्रॉस होते हैं और एपिडर्मिस पक्षमा भी होती है, सीलिएटेड होती है। हार्ट एक सरल एस के आकार की नली होता है जिसमें कक्ष नहीं होते हैं। मुख न होने से टैडपोल आहार ग्रहण नहीं करने में या आहार ग्रहण करने में असमर्थ होता है, इनमें मुख नहीं होता है। ये सकर्स द्वारा या चूसक द्वारा जल के पौधों या जन वस्तुओं से चिपके रहकर कुछ दिन व्यतीत करते हैं। पोषण के लिए वे आर्केंटेरॉन की सेल्स के अंदर संग्रहित योग पर ही निर्भर करते हैं। रेस्पिरेशन मुख्यतः इनमें स्किन के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है, ये इनकी खासियत होती है। अब हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण एक्सटर्नल गिल स्टेज की बात करते हैं, बाह्य गिल अवस्था क्या होती है इसकी बात करते हैं। हैचिंग के लगभग 25 घंटे बाद प्रायः समस्त पीतक समाप्त हो जाता है तथा भ्रूण मुख या स्टोमोडियम एक गोल मुख बनाता है और फेरिंग्स में खुलता है। मुख के किनारे जो होते हैं झालरदार या फ्रिलरी लिप्स होते हैं और श्रृंगी जबड़े हॉर्नी जॉज पर बने होते हैं। जबड़ों के ऊपर तेज श्रृंगी पेपिली या हॉर्नी टीथ होते हैं। तीन जोड़ी शाखान्वित तंतुमय बाह्य गिल्स या एक्सटर्नल गिल्स लंबाई में बढ़ जाते हैं तथा उनके अंदर रुधिर बहने लगता है। पहला और दूसरा गिल 5 मिलीमीटर अवस्था में तथा तीसरा गिल 6 मिलीमीटर अवस्था में विकसित होता है। 5 जोड़ी फेरेंजियल या वेसरल पाउचेज वेसरल कोश फेरिंग से एक्टोडर्म की ओर वृद्धि करते हैं और इनमें से प्रथम जोड़ी या हायोमैंडिबुलर कोश बाहर की ओर नहीं खुलते तथा मध्यकर्ण और यूस्टे की नलिकाओं का निर्माण करते हैं। शेष 4 जोड़ी फेरिंजल सैक्स बाहर की ओर छिद्रित होकर 4 जोड़ी गिल स्लिट्स या क्लोम विदर ब्रैंकियल क्लैप्स बनाते हैं। पुच्छ बढ़कर लंबी हो जाती है और कोमल पतले एवं रश्मि विहीन पृष्ठ और अधर पुच्छ पक्ष कॉर्डल फिन्स विकसित होकर पुच्छ के सिरे पर संतत होते हैं। पुच्छ की तरंगित गतियों की सहायता से टैडपोल एक मछली की भांति जल में तैरता है तथा शैवालों और अन्य वनस्पति पदार्थों को अपने हॉर्नी जबड़ों से कुतरकर खाता है। हर्बीवोरस जीवन होने से शाकाहारी जीवन होने से टैडपोल की आंत्र शरीर से कई गुना लंबी और घड़ी की स्प्रिंग के समान कॉइल्ड होती है, कुंडलित होती है। यह त्वचा और बाह्य गिल दोनों से श्वसन करते हैं। तो ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आंतरिक गिल अवस्था क्या होती है? बाह्य गिल अवस्था के लगभग एक दिन की होती है। बाह्य गिल अवस्था लगभग एक दिन के कार्यकाल की होती है और गिल्स क्लैप्स के खुलने के शीघ्र बाद हार्ड आर्च जो होता है हार्ड चाप से दोनों ओर त्वचा का एक दोहरा वलन या पर्दा पीछे की ओर वृद्धि कर
बाह्य गिलों तथा क्लोम विद्रोह को ढक देता है। इन पर्दों को क्लोम छद या गिल कवर, प्राच्छद या ऑपरक्यूलम कहते हैं। दोनों ऑपरक्यूलम पर्दे परस्पर अधर तल पर तथा गिलों के पीछे त्वचा से संयुक्त हो जाते हैं और इस भांति वे एक बंद गुहा बनाते हैं जिसे प्राच्छद कोष्ठ या ऑपरक्यूलम चैम्बर कहते हैं। यह चैम्बर केवल बाईं ओर एक सक्रिय नाल या साइफन के सिरे पर स्थित एक गोल श्वसन श्वास रंध्र या स्पाइरेकल द्वारा बाहर खुलता है और इस बीच तीनों जोड़ी बाह्य क्लोम धीरे धीरे छोटे होकर समाप्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर आंतरक्लोमीय पटों इंटरब्रैंकियल सेप्टा पर चार जोड़ी आंतरिक क्लोम उत्पन्न हो जाते हैं। चौथी जोड़ी के आंतरिक क्लोम्स रूडिमेंट्री रहते हैं और इंटरनल गिल्स या आंतरिक क्लोम धागेनुमा गिल तंतुओं गिल फिलामेंट्स में बनते हैं जिनमें जाल के रूप में रुधिर कोशिकाएं फैली रहती हैं। ब्रैंकियल सैक्स के फर्श पर अंगुली जैसे झालर युक्त अंग या गिल रैकर्स बन जाते हैं और इनके अतिरिक्त फेरिंग्स की भित्ति से सेल्फ के समान उभार या व्हीलर प्लेट्स बन जाती हैं। टैडपोल अब एक मछली की भांति श्वसन करने लगता है। मुख से प्रवेश करने वाली जलधारा फेरिंग्स और गिल विद्रोह से होकर ऑपरक्यूलर चैम्बर में जाती है और स्पाइरेकल से बाहर निकल जाती है। गिल फिलामेंट्स और जल के बीच गैसेस का आदान प्रदान एक गैसेस या एयर एक्सचेंज होता रहता है और फेरिंग से ऑपरक्यूलर चैम्बर में आने वाले जलधारा से गिल रेकर्स एंड व्हीलर प्लेट्स भोजन के बड़े कणों को छानकर अलग करते हैं जो इसोफेगस में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं फुली फॉर्म टैडपोल क्या होता है उसके बारे में। मेंढक के पूर्णतया निर्मित भेक शिशु या टैडपोल की आयु लगभग 3 सप्ताह होती है। आकार और कार्यों में यह ठीक एक मछली के समान जीव होता है और तैरने के लिए इसमें एक पेशी एवं सुविकसित पुच्छपक सहित गतिक पुच्छी या लोकोमोटरी टेल होती है। इसके नेत्र बाह्य नासारंध्र मुख लंबी कुंडलित आंत अवस्कर द्वार तथा स्पाइरेकल्स स्पष्ट बने होते हैं। सीमेंट ग्रंथियां जो होती हैं अधर चूसक सहित होती हैं लुप्त हो जाती हैं और श्वसन जलधारा मुख से फेरिंग्स गिल क्लैप्स इंटरनल गिल्स या आंतरिक गिल्स के ऊपर होती हुई ऑपरक्यूलर चैम्बर में प्रवेश करती है और स्पाइरेकल से बाहर निकल जाती है। बाद की अवस्था 7 मिलीमीटर में जो बाद की अवस्था होती है 7 मिलीमीटर की होती है उसमें फेरिंग्स से लंग्स विकसित हो जाते हैं जिसमें टैडपोल श्वसन के लिए गिल्स और फेफड़े दोनों का उपयोग करते हैं। शीघ्र ही गिल क्लैप्स बंद हो जाते हैं और आंतरिक क्लोम अवशोषित हो जाते हैं तथा ऑपरक्यूलर गुहा लुप्त हो जाती है और अब टैडपोल श्वसन के लिए प्रायः जल की सतह पर आकर वायु को अपनी मुख गुहा और फेफड़ों में भरता है। एक पार्श्वरेखा तंत्र यह लेटर लाइन सिस्टम बल प्रकार विकसित हो जाता है और एक मीजोनेफ्रिक किडनी विकसित हो जाती है जिसको हिंदी में मध्यवृक्क भी बोलते हैं जो कि 2 जोड़ी पादों में पहले पार्श्वपाद पहले जो होता है हैंडलिम्स जो कि नन्हे अर्धगोलाकार उभारों या मुकुलों या बर्ड्स के रूप में पुच्छ के आधार के समीप प्रकट होते हैं और अग्रपादों के मुकुल अपर कुलम के नीचे ढके होते हैं और इससे पहले दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाद में बायां अग्रपाद सबसे पहले विकसित होता है बायां अग्रपाद स्पाइरल में इसके स्पाइरल में स्पाइरेकल्स में से
बाहर निकलता है, जबकि दायां अग्रपाद ऑपरक्यूलर कक्ष के भित्ति को भेद कर बाहर आता है। ध्यान से समझिए इस बात को। सबसे पहले फ्रॉग के अंदर बायां अग्रपाद स्पाइरेकल में से बाहर निकलता है, और उसके बाद दायां अग्रपाद जो होता है वो ऑपरक्यूलर चैम्बर की भित्ति को पेनिट्रेट करके, भेद करके, फाड़ करके बाहर आता है। इस तरीके से ये होता है। अब मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल की हम बात करते हैं। 2-3 सप्ताह तक लंग्स द्वारा श्वसन करने के बाद भेक शिशु या टैडपोल में इसमें भारी चेंजेज होते हैं, ग्रेट चेंजेज होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं, और जिन्हें कायंत्रण कहते हैं। इनसे टैडपोल एक नन्हे शिशु भेड़क में परिवर्तित हो जाता है, और जो केवल साइज में वयस्क से भिन्न होता है। मेटामॉर्फोसिस को थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करती है, और कुछ प्रमुख परिवर्तन जो होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। वो परिवर्तन क्या है? टैडपोल खाना बंद करके जल की तली पर बैठ जाता है, परंतु मुख के द्वारा लंग्स में वायु भरने के लिए कभी कभी सतह पर आता है। दूसरा पॉइंट, पूंछ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, और पूंछ के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वही पोषण प्रदान करता है। विशेष भक्षी कोशिकाएं या फेगोसाइट्स के, लाइसोसोम्स के कैटेप्सिन्स नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स पूंछ के टिश्यूज का विघटन कर तरल पोषक पदार्थों में बदल देते हैं। सिर और शरीर अधिकाधिक मेंढक के समान हो जाते हैं। सिर चौड़ा और त्रिकोणाकार हो जाता है। नेत्र फ्रस्ट और उभरे बन जाते हैं। टांगें अपेक्षाकृत लंबी हो जाती हैं। इसी तरह से सीलिएटेड डिम्बकीय त्वचा, पक्षमावी डिम्बकीय त्वचा, झालरदार ओष्ठ एवं श्रृंगी जबड़े त्याग दिए जाते हैं। मुख अधिक चौड़ा हो जाता है। वास्तविक जबड़े विकसित हो जाते हैं। जिह्वा लंबी व लचीली हो जाती है। इसका अगला सिरा जुड़ा और पिछला सिरा स्वतंत्र और द्विशाखी हो जाता है। आमाशय और यकृत में बढ़ जाते हैं, इनकी साइज बढ़ जाती है, परंतु मुख्यतः शाकाहारी भेक शिशु की लंबी और कुंडली सहात्र छोटी होकर केवल 1/3 रहकर मांसाहारी वयस्क मेंढक की छोटी हाथ के अनुरूप बन जाती है। टैडपोल का उपास्थि अंत कंकाल में अस्थि भवन अर्थात अस्थियों का बनना आरंभ हो जाता है। मांसपेशियों में भी तेजी से विकास होता है, और इसी प्रकार लंग्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण अंग, लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं, अर्थात ग्रेट, ज़्यादातर रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होता है। परिसंचरण तंत्र भी रूपांतरित हो जाता है। टैडपोल का 2-चैम्बर्ड हार्ट जो होता है, वयस्क के 3-चैम्बर्ड हार्ट में, 3 कोष्ठीय या 3 वेश्मीय हार्ट में बदल जाता है। इनकी त्वचा संवहनीय, श्वसनीय, वर्णकित और लसीली हो जाती है। मेजोनेफ्रोस किडनी जो होती है, ये मेजोनेफ्रोस या प्रोटोनेफ्रोस में प्रतिस्थापित हो जाती है। उत्सर्जन एमिनोसर्जी एमिनोटिलिक से यूरियोटिलिक हो जाता है। पहले एमिनोटिलिक होता है, बाद में यूरियोटिलिक हो जाता है, और पार्श्व रेखा संवेदी अंग तिरोहित हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसको मछली की तरह तैरना नहीं होता है। तो ये इसके डायग्राम हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस में देखिए लार्वा है, ये पूंछ इसकी रिड्यूस हो गई है, यहाँ पर यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गई है, सी के अंदर इस डायग्राम में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एडल्ट फ्रॉग है। यहाँ आप देखिए ऑल्फैक्टरी पिट है, एक्सटर्नल नेरिस बन जाता है, यहाँ पर इसके जगह फोर लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, ये मायोटोम्स हैं जो कि पूंछ में थे, अब यहाँ समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इसकी मेटामॉर्फोसिस संपन्न होती है। तो थैंक यू वेरी मच, ये टॉपिक पूरा हो गया।